नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 29 अप्रैल 2023 को ये वीडियो 7 मई 2023 को होने वाली नीट की एग्जाम में उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जिनको लगता है यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो मार्जिन केस पे हैं या यूं कहूं हिम्मत से हार चुके हैं। नहीं दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पास 8 दिन है, तो अंतिम 8 दिनों में आपकी प्लानिंग क्या हो ये डिस्कस करने के लिए ये वीडियो आपको दे रहा हूं मैं, क्योंकि दिन में सैकड़ों बच्चे मुझसे मिलते हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बच्चे चलो अपनी कोचिंग में हैं या सीकर हैं, आके मिल लेते हैं। पूरे उत्तरी भारत में जहाँ सीएलसी के अपने वेलविशर हैं, सीएलसी के फॉलोअर्स हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो अन्य कहीं दूर दराज किसी कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन वो फिर भी फॉलो करते हैं सीएलसी के यूट्यूब चैनल को, हमारे गुरुनीति को, हमारे ऑनलाइन को, हमारे टेस्ट सीरीज को। तो ये मेरा शिक्षक धर्म बन जाता, उनसे बात भी की जाए। तो दोस्तों, एक तो घबराए नहीं, आखिरी बोल तक संघर्ष करने का नाम ही खिलाड़ी होता है, उसी का नाम प्लेयर होता है डियर। पर ये भी सच है कि 8 दिन में अपन ना अपने नोटबुक पढ़ सकते, ना मॉड्यूल पढ़ सकते, ना एनसीईआरटी पढ़ सकते, तो आप कैसे पढ़ें क्या। यस, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चन निकालें और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जाके ढूंढे, केवल और केवल एनसीईआरटी से, ना किसी कॉपी से, ना मॉड्यूल से, क्योंकि आप अपने दिल से याद रख के पूछो या मुझे आंसर दो। पेपर कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से। लास्ट में एनटी की जो की आएगी वह किसकी मान्यता होगी? एनसीईआरटी की। तो जब सब कुछ एनसीईआरटी है, वो वेद की तरह है, तो फिर उसी को पढ़ा जाए ना। तो डियर बिल्कुल नहीं घबराए आप लोग, जिस भी कोचिंग में आपके पास माइनर पेपर होंगे, बहुत सारे पेपर होंगे। मैं सीएलसी की बात करूं तो मेरे सीएलसी के बच्चे के पास माइनर पेपर है, रिव्यू टेस्ट है, उसके पास मिड सेशन है, उसके पास केमिस्ट्री पंच के टेस्ट हैं, उसके पास बायोकेम के टेस्ट हैं, उसके पास इको फिजिक्स के टेस्ट हैं, उसके पास डायमंड टेस्ट टेस्ट हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है उसके पास 6 पैक है। और हम लोगों ने 1700% एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए हमारी टीम से हाथ से लिखवा के 28 अप्रैल 2023 को बांट चुके हैं। अगले 2 दिन में हमारे सीएलसी के हर बच्चे के हाथ में होगा। दोस्तों, इतने सारे प्रश्न आपके पास है, इसलिए आप ये तो कह सकते ही नहीं कि सर हम कौन से प्रश्न निकालें। और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है वो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा उन सारे बच्चों से कि दोस्तों, हारने से, हार मानने से कुछ नहीं होना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 8 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। डेली यदि आप अपने 10-10 प्रॉब्लम खत्म करो, क्वेश्चन निकालो, फिर जो डाउट आते हैं उनको देखो, तो आप 80 डाउट खत्म कर सकते हो। और 80 का मतलब होता है 5 से गुणा करो, 400 नंबर आप नए तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, जिसके मैं तो कहता हूँ आज 225 नंबर का बच्चा है, वो भी 600 तक जा सकता है यदि वो अटैक ढंग से कर जाए, चोटी बांध के बैठ जाए। मेरी भाषा में शेड्यूल, सुबह 7 बजे से 1 बजे पढ़ाई करनी है, 1 से 2 रेस्ट करें, 2 से 7 फिर पढ़ाई करें, 7 से 8 डिनर का रेस्ट करें, और रात को 8 से 12 पढ़ाई करें। दोस्तों केवल गिन लो, देखो 30 अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 9वें दिन तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो से एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो जाके ढूंढने एनसीईआरटी से हैं। और यदि अभी भी आप कोचिंग के टच में हैं तो अपने टीचर के पास जाएं, डाउट काउंटर पे जाएं। और सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, लास्ट में क्या होता है, आप जो भी 2-4 दोस्त एक साथ रहते हो तो डियर आप जाके उन दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठें और अपने डाउट खत्म करें। जैसे आप देखते हैं रात को सीएलसी कैंप लगता है, तो हमारे विजय ग्राउंड में करीब 400 प्लस बेटे बेटियां अलग अलग ग्रुप बना के बैठते हैं। और कल उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बोस हमें तो कल्पना ही नहीं थी इस बात की कि ऐसे 4 दोस्त मिलके समस्या खत्म कर सकते हैं। काश ये आइडिया हमारे पास जुलाई में आया हुआ होता तो हम तो इस बार बजट बुला लेते नीट का। कोई बात नहीं, यदि कोई इस वीडियो को नीट चॉइस का प्लेयर देख रहा है तो भैया अभी से इस प्रोसेस लग जाए। चॉइस का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो एक अपील करना चाहूंगा, मॉड्यूल और कॉपियां जो आपकी किसी कोचिंग की होती हैं वो केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बेस होती है। पेपर एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी को कम से कम साल में 20 बार पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिस भी कोचिंग में हैं उसके सारे टेस्ट दें, उनके सॉल्यूशन लें। खैर ये नेक्स्ट डे की बात है, कोई भी बच्चा देख रहा हो तो उसे काम की चीज़ है। बाकी फिर से कहता हूँ, 7 मई दोस्तों बहुत नज़दीक है, कूल रहें। एक अपील करना चाहूँगा, इन 7 दिन में अनावश्यक बाहर का कुछ खाएं नहीं, बीमार हो सकते हैं दोस्तों, पेट खराब हो सकता है, पानी की बोतल अपने पास रखें,
एक बिस्किट का पैकेट अपने पास रखें, और 2 से 5 तो विशेष रूप से आप बिल्कुल थोड़ा सा सावचेत रहें, क्योंकि एग्जाम 2 से 5 होनी है। 2 से 5 बिल्कुल सोए नहीं, 2 से 5 आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने का प्रयास करें, चाहे कैंप में बैठ के पढ़ें, रूम पे बैठ के पढ़ें। तो एक बड़ी डिमांड थी मेरे बच्चों की, व्हाट्सएप भी आ रहे थे, जब लाइव आता हूँ रात को फेसबुक पे तो उस पर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर हमें भी एक कॉमन वीडियो बना दो। तो मैं एक ही बात कहूँगा, बार बार एक ही बात कहूँगा, आज इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं 29 अप्रैल को, 7 मई को एग्जाम है, 8 दिन का पीरियड है। प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन निकालें, अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन फिर अल्टीमेट होने चाहिए। और यदि आपको लगता है कि साहब मैं तो ऑलरेडी 700 पे खड़ा हूँ, सर मेरे लिए क्या सुझाव है, मैं 680 पे खड़ा हूँ, मेरे लिए क्या सुझाव है, आपका एक सुझाव है, आप भैया शिकार करने से पहले जैसे शेर शांत होता शांत हो जाए। या कई बार आप देखते होंगे घर में हमारी दादी भी, जिनके पास बहुत अनुभव है, वो भी सुई में धागा पिरोते हैं ना, तो बिल्कुल जिस समय धागा पिरोएगी हमारी दादी उस समय बिल्कुल ऐसे कूल हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हैं, जबकि दादी जिंदगी भर से उस काम को करते आ रहे हैं, उनके पास अनुभव कमी नहीं है। फिर भी अनुभव कितना भी क्यों ना हो, जब आपको गेम खेलना है, जब आपको मैच खेलना है, जब आपको टारगेट पे गोल करना है, उस समय आपको कूल होना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, कूल रहें, कंसंट्रेट रहे। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो 7 मई 2023 नीट का प्लेयर है। नंबर आपके कितने भी हों, आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, 700 का 720 जा सकता है, 200 वाला 550 600 पे आ सकता है। और वीडियो के लास्ट में एक बात कहूंगा, 7 मई को पेपर हो जाए, आप अपने मार्क्स जोड़ लें, मार्क्स अच्छे आ गए तो बिल्कुल मस्त रहें, पर किसी कारणवश आप सिलेक्शन रेंज को पार नहीं कर पा रहे हैं तो दुखी नहीं हो, प्लीज अपने जीवन को परेशान नहीं करें, आपने प्रयास किया, एक एग्जाम दिया, जो मार्क्स आ गए वो ठीक है। यदि आपका सपना डॉक्टर बनना है और इस बार सफल नहीं हो रहे हैं तो वापस लग जाएं, और आपको लगता नहीं यार डॉक्टर सब कुछ नहीं है, तो बेटा बहुत रास्ते हैं, आप ग्रेजुएशन करें, बीएससी एमएससी करें, यूपीएससी करें, आरपीएससी करें, बहुत रास्ते हैं, नीट या जेई कोई एक रास्ता नहीं है। और आपको लगता नहीं मुझे डॉक्टरी बनना है और गवर्नमेंट सीट से बनना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करें, वापस लग जाएं, इसमें क्या है, गिरते हैं मैदान जंग सह सवार, वो तिलसिम क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो 7 मई को अच्छा करके आना है, कूल रहना है, शांत रहना है, क्वेश्चन निकालने हैं, आंसर ढूंढने हैं, दोस्तों के साथ रहना है, दोस्तों के साथ रहने का मतलब है पढ़ाई की बात करनी है, डाउट्स पे बात करनी है, और सुबह 7 से 1, दोपहर में 2 से 7, और रात को 8 से 12 पढ़ाई करें। ये मेरी अपील है मेरे उन सारे बच्चों से जो भी पूरे देश में 7 मई के प्लेयर देख रहे हैं, उन सबको मेरी शुभकामनाएं, ईश्वर आप सबके सपने पूरे करें। नमस्कार, जय सी एल सी।